पीछे से जो लुक दिया हुआ है वो थोड़ा पैनोरामिक सनरूफ है, तो एक्चुअली इसका सनरूफ प्राइसिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम। हे गाइस, वेलकम टू मोटर रॉक 10। कैसे आप लोग सब? आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट जिसके बारे में आपको आज डिटेल्ड वीडियो मिलने वाला है। वैसे हमने कर्व पे एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया, बट टुडे इट्स टाइम फॉर अ मोर डिटेल्ड वीडियो। वैसे आपको बता दूं, हमने कर्व पे एक इलेक्ट्रिक वर्जन पे बनाया था लास्ट टाइम, ये जो है पेट्रोल और डीजल अवतार में आएगी। सो बिफोर आई गेट इनटू एनी डिटेल्स, ये गाड़ी टेक्निकली क्रेटा, सेल्टोस, टाइगून, ये सबसे कम्पीट करने वाली है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली, हमने उन गाड़ियों पे एक महा कंपेरिजन बनाया, यू शुड गो एंड चेक इट आउट। मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ इन द आई बटन। नाउ लेट स्टार्ट विद दिस कार, दिस इज द कर्व। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। दिस इज SUV जो आप नेक्सॉन और हैरियर के बीच में स्लॉट की जाएगी। एंड अगर आप इसका डिजाइन एलिमेंट्स देखते हो, इट लुक्स प्रिटी नीट एंड फ्यूचरिस्टिक। अब देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट कार है बट काफी क्लोज है टू प्रोडक्शन से, मोर देन 90-95%। तो काफी सारे इसके जो एलिमेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं वो एक्चुअल में आएंगे इन द व्हीकल। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप। आप नोटिस करोगे कि इसको डे टाइम रनिंग लाइट जो है वो सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड है एंड गोज अप टिल हियर, और ये थोड़ा और ऊपर तक जा रहा है यहाँ पे। एंड आप एक और एक चीज देखोगे कि जो इसका बॉनेट है, यहाँ पे भी एक होल है फॉर बेटर वेंटिलेशन, रादर बेटर एरोडायनेमिक्स ऑफ द व्हीकल। एंड इधर आ जाइए, आप इसका हेडलैम्प्स देखते हैं। सो आई फील यहाँ पे ये एरिया जो है, यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा इन ओवरऑल स्टाइलिंग। और आप नोटिस करोगे कि इसके हेडलैम्प शायद बड़ी हो गई या कुछ और चेंजेस आएंगे, और नीचे जो है वो फॉग लैम्प एलिमेंट रहने वाला है इसके। ऑलराइट, एक बार आप बम्पर पार्ट देख लो, दिस इज समवेयर गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू जो है अभी, इसमें ज्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं आने वाला। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द साइड ऑफ द कार। पहले साइड देख लेते हैं इस गाड़ी का, आपको एक पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कैसे दिखती है। अब अगर मैं इस गाड़ी के लेंथ के बारे में बात कर लूं, तो ये 4.3 मीटर्स इन लेंथ है, यानी कि जो क्रेटा सेल्टोस आती है सिमिलर रहने वाली इन लेंथ, बट डिफ्रेंसिएशन इसमें बहुत है। सो पहली चीज आप क्या देखते हो, एज यू सी द साइड, आप नोटिस करोगे इसको स्लोपिंग रूफ लाइन दिया गया है, विच मीन्स ये ज्यादा स्पोर्टी लगेगी। एंड बहुत सारे बायर्स जिनको बॉक्सी SUV से थोड़े बोर हो गए हैं, उनको कुछ अलग टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, उनके लिए ये डिजाइन बहुत ही प्यारा होने वाला है। अब जो व्हील्स इस गाड़ी में आते हैं वो एक्चुअल में इसमें 18 इंच दिए हुए हैं, बट जो आएंगे वो 17 इंच की आप एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि वो इस सेगमेंट से करेक्टली मैचअप कर पाएगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। विंडोज मिरर्स देखेंगे इसको, सो आई थिंक इन द फ्यूचर इसमें 360 कैमरा वगैरह जैसे फीचर्स आएंगे, सो आपको यहाँ पे स्लीक मिरर विद 360 कैमरा आ जाना चाहिए। आप नोटिस करोगे पैनोरामिक सनरूफ है, तो एक्चुअली इसका सनरूफ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, विच मेक्स इट अ मैसिव साइज सनरूफ। एंड आप ये भी नोटिस करोगे कि ये जो एलिमेंट इधर मिल रहा है, इट्स प्रीटी नीट ओवरऑल। जो इसकी स्टाइलिंग है, That is a major talking point for this SUV. अब पीछे से जो लुक दिया हुआ है वो थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी, नॉच बैक या यू नो स्पोर्ट्स बैक, अलग अलग नाम लोग देते हैं, बट ओवरऑल जो स्टाइलिंग है, अगेन फ्रंट जैसा ही इसको एक टेल लैम्प्स कनेक्टेड बना दिए गए हैं यहाँ पे, विच इज वेयर यू विल सी अ लॉट ऑफ कोरिलेशन फ्रंट एंड से। अब एक चीज और लास्ट बिफोर आई मूव टू द इनसाइड, वो ये है कि इसका जो ऊपर आप नोटिस कर रहे हैं स्पॉइलर, ये बहुत ही ज्यादा कूल अवतार में इसे दिखाया गया है यहाँ पे। नाउ इट्स टाइम टू स्टेप इनटू द कार। ऑलराइट, तो जब आप इसका इंटीरियर देखते हैं यहाँ पे, आप नोटिस करोगे, देखिए ये इंटीरियर जो है जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, सो कुछ ऐसा रहना चाहिए, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट यू कैन सी द प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स। तो पहली चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपके पास जो बूट है, यू कांट सी द बूट कंप्लीटली, आपको मैं दिखा दूंगा, बूट जो है काफी बड़ी है बिकॉज ऑफ दैट एंटायर डिजाइन, जो उसका शेप है ना, उस वजह से कंप्लीटली एक्सेसिबल बन जाती है। प्लस आप दूसरी चीज देखोगे कि इसका फ्लोर दैट्स फ्लैट, दैट मींस तीन लोग यहाँ बैठ सकते हैं। टाटा आफ्टर द अल्ट्रोस, आफ्टर द पंच जो फ्लैट फ्लोर दे रहा है वो यहाँ पे भी दे दिया गया है इन्होंने, विच मीन्स आपको फ्लैट फ्लोर मिल जाएगा इसमें। ऊपर मैसिव 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 सनरूफ मिल रहा है इस गाड़ी को, which is another major talking point for it. और जाते हैं towards the front, आपको front दिखाते हैं अभी गाड़ी का। All right, so front जो है यहाँ पे focus किया गया है, not just towards just electrification जैसे curve में किया था,
बट ऑन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, तो कर्व में सारी टेक्नोलॉजी आ जाएगी इन द पेट्रोल एंड डीजल ऑप्शन. तो यहाँ आप नोटिस करोगे आपको एक बड़ी साइज की टच स्क्रीन सिस्टम मिलती है, से अबाउट 10 इंचेस की मिलेगी, 360 कैमरा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर. एंड आप यहाँ पे नोटिस करो कि आप बटन्स बहुत मिनिमल, लाइक सेंटर में आपके पास बटन्स नहीं है. इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लीन लेआउट. और आपके एसी कंट्रोल्स नीचे के पार्ट पे रहेंगे. एंड जैसे मैंने 360 कैमरा का यहाँ मेंशन है, देखिए 360 कैमरा भी, एंड जो आपके ड्राइव मोड्स वगैरह सब कुछ आपको यहीं दे दिया जाएगा इन कंट्रोल. गियर लीवर भी नया स्टाइल का दिया हुआ है, क्वाइट शॉर्ट, स्मॉल, क्रिस्प एंड इजी टू ऑपरेट. एंड ये रहे आपके सारे ड्राइव मोड्स. यू गेट वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ दी हुई है, ऑटो होल्ड भी मिल रहा है एज अ फीचर. सो यू हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स दैट विल बी ऑफर्ड. अब जब आप ड्राइवर साइड का इन्फॉर्मेशन देखते हो, पहली चीज आप नोटिस करोगे कि इसका स्टीयरिंग व्हील जो है नए पैटर्न का मिल रहा है. टाटा में पहले ऐसे स्टीयरिंग व्हील्स आते थे, अगर आपको पता है, अगर आपने सियरा देखी है पुरानी, अगर आपने पुरानी गाड़ियां देखी एस्टेट सुमो, उनमें ऐसा स्टीयरिंग व्हील आता था. एंड लुक एट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इट्स कंप्लीटली डिजिटल. जी हाँ, यू कैन सी इट्स एब्सोल्युटली डिजिटल. एंड ये सारी चीजें आपको इस गाड़ी में दी जा रही है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आएंगे और बहुत सारे, जिनके मैं एक एक करके जवाब देने वाला हूँ. यू लास्ट, इंजन कौन सा है? तो इसमें आपको पेट्रोल भी आएगा, डीजल भी आएगा. सो पेट्रोल में आपको एक 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल आने वाला है, जो लोअर एंड पे दिया जाएगा. लगभग 120 से 130 bhp का पावर देगा और 6-speed मैनुअल, 6-speed DCA के साथ आएगा. दूसरा इंजन ऑप्शन मोस्टली रहेगा एक 1.5 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल, जो लगभग 170 bhp का पावर दे सकता है. बट आई डोंट नो लोग क्या स्टेट ऑफ ट्यून में इसे ऑफर करने वाले हैं. ये भी 6-speed मैनुअल एंड 6-speed DCA के साथ आएगा. तीसरी इंजन ऑप्शन विल बी अ डीजल, विच विल बी अ 1.5 लीटर. ये लगभग 115-120 bhp बनाएगी विद 250 Nm ऑफ टॉर्क. ये 6-speed मैनुअल एंड 6-speed ऑटोमेटिक के साथ ऑफर किया जाएगा. कब? एक्सपेक्टेड समवेयर अबाउट 2024. एंड और डिटेल्स, आई मीन प्राइसिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम अबाउट 12 टू से 24 लाख रुपीज अप्रॉक्सीमेटली, या 22 लाख तक जाना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली इस गाड़ी की प्राइसिंग. पेट्रोल डीजल दोनों में आएगा, फ्रंट व्हील ड्राइव रहेगा, ऑटोमेटिक्स भी ऑफर किए जाएंगे. सो देयर इज अ लॉट दैट विल बी कमिंग ऑन टू दिस SUV. अब बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको इसका डिजाइन लैंग्वेज कैसा लगा? डू यू लाइक द बॉक्सी स्टाइल, या आपको ये नया स्पोर्टी लुक जो इसको दिया हुआ है वो आपको ज्यादा पसंद है? हमने कर्व पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जो आप लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, बहुत लोगों को पसंद आया, इट हैज बीन ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब. तो हमने सोचा आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो आज बना देते हैं. नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए मार्केट में ऑप्शंस बहुत है गाड़ियों के, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. ये खरीदू, वो खरीदू, विच वन शुड आई बाय? सो अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं. चले जाइए motorocketing.com/car-consultancy, वहां जाके अपने को डिटेल्स बता दीजिए एंड बुक योर कॉल टाइमिंग. इज इन दैट वेरी सिंपल? उसे और आसान पता है, देखिए आपको ऐसे कंसल्टेशन ऐसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे सारे वीडियोस देखते हो. तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो यू विल सी ऑल आवर वीडियोस. स्पेसिफिकली हमारे महा कंपेयरर देख लीजिए, आपको पूरी क्लैरिटी वहां मिल जाएगी. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ. मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय गाइस.